हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रथमेश चौधरी और होराइजन एकेडमी के यूट्यूब पेज पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रियो के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई थी। इस वीडियो में हम स्केच मॉडल के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि न्यू पे क्लिक करने पर यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आएंगे जैसे कि स्केच, तो अभी ये जो सेकेंड ऑप्शन है हम इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो हम मैं आज आपको इन्हीं ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो डेटम, तो डेटम जो होते हैं इन्हें हम रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये सेंटर लाइन, पॉइंट और कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेंटर लाइन का यूज़ हम कर सकते हैं ऐसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेंटर लाइन को सिलेक्ट किया और एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन यहाँ पे डाल दिए। वैसे आप वर्टिकल भी डाल सकते हैं जो यहाँ पे मैंने यूज़ किया। आपको अगर एंगल पे चाहिए तो आप एंगल भी दे सकते हैं ऐसे। तो ऐसे सेंटर लाइन का यूज़ किया जा सकता है। इसी सेंटर लाइन को यूज़ करके आप डायमेंशनिंग कर सकते हो या फिर इसी के ऊपर आप स्केच भी बिल्ड कर सकते हो। तो अभी ये जो सेंटर लाइन है यहाँ पे, दूसरा ऑप्शन है पॉइंट। तो पॉइंट जो है ये डेटम, यहाँ से आप मल्टीपल पॉइंट्स पुट कर सकते हो आपको जैसे चाहिए वैसे, और इस इन पॉइंट को रेफरेंस लेके आप दूसरे स्केच बना सकते हो। तीसरा ऑप्शन जो है वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है यहाँ से आपको एक एक्स वाई और जेड ऐसे तीन एक्सिस मिलेंगे जिसके हेल्प जिसको आप 0 0 पकड़ के या फिर ओरिजिन पकड़ के आप बिल्ड कर सकते हो स्केच। अभी यहाँ पे स्केचिंग का जो ऑप्शन है इसमें लाइन लाइन एक जो है एक स्केचिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो लाइन में जो अभी यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे देखोगे तो दो तरह की लाइन्स है, एक है लाइन चेन और दूसरा है लाइन टेंजेंट। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि लाइन चेन क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन यूज़ किया, मैं इसको वर्टिकली दूसरी लाइन बना सकता हूँ, तीसरा मैं एंगल पर बना सकता हूँ और मैं मेरा ऐसे एक स्केच बना सकता हूँ। तो ये हो गया है लाइन फंक्शन। अभी लाइन टेंजेंट क्या होता है, तो टेंजेंट जो होता है वो अभी सपोज यहाँ पे मैंने दो सर्कल ड्रॉ किए जो जिनका डायमीटर सेम है, तो मुझे अभी यहाँ से यहाँ तक एक लाइन चाहिए टेंजेंट। तो अभी आप देख पा रहे हो मुझे दिक्कत आ रही है यहाँ पे टेंजेंट लाइन बनाने के लिए। तो वही अगर मैं ये यूज़ करूँगा तो मुझे सिर्फ ये सर्कल और ये सर्कल को सेट करना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि दो टच में, दो क्लिक्स में ही मेरा टेंजेंट लाइन आ गया है। वही मैं अगर सिंपल लाइन लेता था तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इस ये ऐसे लाइन टेंजेंट यूज़ करके आप अपना जो है स्पीड बढ़ा सकते हो या फिर स्केचिंग में आपको बहुत कम समय लगेगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल जो है आप ऐसे बना सकते हो जिसका जिसके लिए आपको दो पॉइंट्स लगेंगे, एक तो ये स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरा एंड पॉइंट। तो ये पॉइंट में आप अपना रेक्टेंगल बना सकते हो। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो कॉर्नर रेक्टेंगल जो हमने अभी यूज़ किया था दो पॉइंट्स लेकर, अभी जो है वो स्लांटेड रेक्टेंगल। तो ये जो होता है ये ऐसे एट एन एंगल रहेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने ये एंगल पे बनाया है। थर्ड ऑप्शन जो है सेंटर रेक्टेंगल, तो इसके लिए दो पॉइंट्स नहीं लगेंगे, इसके लिए सिर्फ एक ही पॉइंट लगेगा जिसका जो है रहेगा सेंटर, और फिर उसको आप स्केच बना सकते हो। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो है पैरेललोग्राम। तो जैसे आप देख पा रहे हो ये पैरेललोग्राम मैं बना सकता हूँ स्केच से, मुझे इसके लिए दो पॉइंट्स लगेंगे, एक जो स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरा रहेगा एंड पॉइंट। और फिर आपने माउस के साथ आप इसको जैसा शेप चाहिए वैसे बना सकते हो।
उसके बाद जो आता है वो है सर्कल। सर्कल में चार ऑप्शंस है, एक है सर्कल एंड पॉइंट, दूसरा है कॉन्सेंट्रिक, तीसरा है थ्री पॉइंट और चौथा जो है वो टेंजेंट। तो मैं आपको ये पहला वाला सर्कल दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने ये सेंटर लाइन यूज़ किया, हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो अभी मैं ये पहला वाला ऑप्शन लेता हूँ जो है सेंटर सर्कल। तो मुझे यहाँ पे सेंटर जो है मेरा यहाँ पे है। तो अभी मैंने सेंटर को सिलेक्ट करके उसका ओरिजिन दे दिया, उसको सेंटर दे दिया जो है ये ओरिजिन पॉइंट। तो अभी मुझे उसका डायमीटर दिखाना है, तो डायमीटर के लिए आप क्लिक करना है बस, और एक यहाँ पे वैल्यू दे दीजिए से 10 mm। तो मेरा 10 mm का सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हो गया। सेकंड ऑप्शन जो है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो होते हैं उनका सेंटर सेम होता है पर डायमीटर अलग अलग होती है। तो जैसे मैंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल ले लिया तो मुझे यहाँ पे सेंटर को पता है, तो सेंटर को पकड़ के मैं इसको सिर्फ दूसरा एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे तीसरा चौथा जितने चाहिए उतने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है थ्री पॉइंट सर्कल। तो अभी यहाँ पे एक दो और ये तीन पॉइंट मैंने ड्रॉ किए हैं, तो अभी मुझे सर्कल बनाना है। तो मैं ये पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, ये पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और ये पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, तो मेरा सर्कल बन गया है। तो इसी तरह आप जो है डेटम का यूज़ कर सकते हो। चौथा जो सर्कल है वो है थ्री टेंजेंट। तो इसके लिए मुझे तीन लाइन लगेंगी, एक जो है मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, दूसरा जो है ऐसे ड्रॉ करता हूँ और तीसरी जो लाइन है ऐसे ड्रॉ करता हूँ। तो मुझे ये तीन लाइन के बीच में सर्कल निकालना होगा। तो मैं थ्री पॉइंट सर्कल एक दो और ये तीन ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है आर्क। जैसे कि आप ये आर्क और जो सर्कल है वो तीनों ऑलमोस्ट सेम ही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो थ्री पॉइंट का आर्क बना रहा है मुझे, एक ये और ये ऐसे। तो मैंने इसमें क्या किया, एक ये पॉइंट सिलेक्ट किया, दूसरा ये पॉइंट सिलेक्ट किया और तीसरा जो है इसका सेंटर लोकेशन मुझे कहाँ पे चाहिए इसके लिए तीसरा पॉइंट का यूज़ किया मैंने। तो ये हो गया है थ्री पॉइंट आर्क। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो सेंटर एंड एंड। तो मुझे यहाँ पे सेंटर चाहिए, एक एंड यहाँ पे चाहिए, दूसरा एंड यहाँ पे चाहिए। तो मैं ऐसे एक आर्क बना सकता हूँ। इसके लिए आप डेटम्स का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि तीन पॉइंट्स है, एक यहाँ पे बना है, एक यहाँ पे बना है और एक यहाँ पे बना है। तो मैं ये थ्री पॉइंट यूज़ करके सेंटर यहाँ से लिया, एक ये और एक यहाँ तक, ऐसे भी बना सकता हूँ स्केच। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो थ्री टेंजेंट आर्क, सेम उसकी तरह ही। अगर मैंने ऐसे बनाया है तो मेरे पास जो है तीन लाइंस है, तो मैं तीन लाइन का यूज़ करके एक आर्क बना सकता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये जो आर्क है ये तीनों लाइन को टेंजेंट है। चौथा ऑप्शन जो है वो कॉन्सेंट्रिक आर्क। तो जैसे कि मेरे पास ये आर्क है, तो अभी मैं इसको कॉन्सेंट्रिक आर्क में सेंटर यूज करके एक यहाँ पॉइंट से दूसरा ये पॉइंट तक, वापस से मैं उसका डायमीटर बढ़ा दिया या रेडियस बढ़ा दिया और ये तीसरा आर्क ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। उसके बाद जो आता है वो कोनिक आता है। तो ये जो है ये ऐसे दो प्लेन्स में या तीन दो प्लेन्स में स्केच ड्रॉ करने के लिए ये कोनिक आर्क यूज कर सकते हो। अगले वीडियो में मैं आपको ये बाकी के कमांड्स के बारे में बताऊंगा, जैसे कि एलिप्स, स्पाइन, फिलेट, चैम्फर और
ऑफसेट, थिकनेस, ये सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।